चले बढ़ते आगे। एक कृषि प्रधान प्रदेश से स्पोर्ट्स हब बनने के बाद अब हरियाणा पसंदीदा पर्यटन केंद्र के रूप में जाना जाएगा। राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और पंचकुला को पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए सीएम ने मोरनी के टिकर ताल को पर्यटन स्थल घोषित किया है। रिपोर्ट देखिए। सीएम ने पंचकुला को मनोहर तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को टिकर ताल में विभिन्न साहसिक खेल गतिविधियों जैसे पैरा सेलिंग, पैरा मोटर और जेट स्कूटर का उद्घाटन किया। इस औपचारिक उद्घाटन के साथ ही अब मोरनी हिल्स के टिकर ताल में ये विभिन्न एरो और वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियां व्यावसायिक रूप से संचालित हो गई हैं। इन गतिविधियों के सफलतापूर्वक संचालन के लिए विभाग की ओर से स्थानीय युवाओं को इन गतिविधियों से संबंधित कौशल को विकसित करने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इससे एक ओर जहां राज्य में पर्यटन के विकास के लिए हरियाणा सरकार के निरंतर प्रयासों को बढ़ावा मिलेगा, तो वहीं दूसरी ओर युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। आज इसको विधिवत टूरिस्ट प्लेस मोरनी टिकर ताल एक प्रकार से इसको घोषित किया जा रहा है। अब आगे से प्रदेश के नक्शे में, देश के नक्शे में जरूर कहीं ना कहीं मोरनी का नाम, टिकर ताल का नाम इस ओर दर्ज होगा। पर्यटन की दृष्टि से अपने हरे भरे वातावरण के लिए जाना जाने वाला पंचकुला पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण के रूप में उभरा है। जो पंचकुला से गुजरने वाले खूबसूरत पर्वत श्रृंखलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए देश और दुनिया भर में हरियाणवी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए सीएम ने होम स्टे और फार्म टूरिज्म नीतियों का भी शुभारंभ किया। इससे पर्यटकों को होम स्टे के रूप में होटलों का एक शानदार विकल्प मिल सकेगा, जिससे उन्हें स्थानीय परिवारों के साथ उनके घरों में रहने और स्थानीय संस्कृति और व्यंजनों का अनुभव मिलेगा। कुल मिलाकर के मोरनी का ये जिला, इसमें चाहे वो सीनिक टूरिज्म हो और चाहे रिलीजियस टूरिज्म हो, इसको बढ़ाने के लिए ये सब पग उठाए जा रहे हैं। आज एक बस सिटी टूरिज्म की जो बस है उसको उद्घाटन किया, उसका एक प्रकार से प्रोग्राम उसका लॉन्च किया है। तो सप्ताह में दो दिन ऐसे जो टूर्स लोग ऑर्गेनाइज करेंगे बुकिंग के हिसाब से उनको किया जाएगा। अगर उसकी डिमांड बढ़ेगी तो फिर दो दिन से ज़्यादा भी किया जा सकता है या वाहन बढ़ाए जा सकते हैं। उसमें एक ट्रिप उसका यहाँ भी हुआ करेगा। वीकेंड्स पर यहाँ संख्या बढ़ने लग गई है, अभी से ही बढ़ने लग गई, पहले से 20 जून के बाद ही। यहाँ के स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि 20 जून के बाद यहाँ के जो जमीनों के रेट हैं वो 3 गुने हो गए हैं। अब वो जिनको संभावनाएं दिखती हैं वो लोग स्वाभाविक आकर्षित होते हैं। सीएम ने कहा कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देना राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, क्योंकि ये न केवल रोजगार प्रदान करने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है, बल्कि निश्चित रूप से राज्य के राजस्व और सकल घरेलू उत्पाद के ग्राफ में भी वृद्धि करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मोरनी टिकर ताल टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए हर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएंगी। उन्होंने कहा कि इस कड़ी में एक निजी होटल समूह ने पर्यटकों के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा की प्रयोगात्मक शुरुआत कर दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि टिकर ताल में पैराग्लाइडिंग की सुविधा भी जल्द शुरू हो जाएगी। इसमें कुछ औपचारिकताएं अभी बाकी हैं जो शीघ्र पूरी कर ली जाएंगी। हमारे जो खेल हैं वाटर स्पोर्ट्स, उनके नाते से आज हमने देखा, पिछली बार हमने देखा इसको कर रहे हैं। पैराग्लाइडिंग भी पिछली बार डेमो दिखाया था, लेकिन अभी पैराग्लाइडिंग के कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, वो महीने में 2 महीने में पूरी हो जाएंगी। कुछ लाइसेंसिंग के उसके काम होते हैं, कुछ इसकी लॉज बाय लॉज रूल्स ये बनाए जाते हैं, क्योंकि रिस्की गेम होने के नाते से बहुत ही फॉर्मेलिटीज में करनी पड़ती है। वो सब करने के बाद वो शुरू होगा। ऐसे ही कुछ समय के बाद पिंजौर में बैलूनिंग ये भी शुरू हो जाएगा। वो भी एक कंपनी से बातचीत चल रही है, उन्होंने अपना डेमो दे दिया है, उसका टेंडर करके उसको फाइनल कर। इससे पहले सीएम मनोहर लाल ने पर्यटन विभाग की ओर से शुरू की गई विभिन्न गतिविधियों के संबंध में आयोजित प्रदर्शनी का भी निरीक्षण किया। सीएम के इस प्रयास से जहां प्रदेश पर्यटन हब बनेगा तो वहीं इससे रोजगार भी पैदा होगा। हरियाणा न्यूज के लिए पंचकुला से रवि कालीरमन की रिपोर्ट।